मानो या ना मानो, लेकिन लड़कों की जिंदगी ना टेंट लगाने के बाद ही खत्म होती है। आई हैव सेड दिस बिफोर कि मैंने बुक पढ़ी नहीं है, लेकिन इसका एंड देखने के बाद आई कैन स्टिल से आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस, अ सूटेबल बॉय की स्टोरी लता मेहरा की जर्नी को फोकस करता है कि कैसे उसकी फैमिली एक सूटेबल लड़का उसके लिए ढूंढती है। आई विल स्टार्ट बाय सेइंग कि अ सूटेबल बॉय के कैरेक्टर्स इंडल्जिंग और बिलीवेबल हमें लगते हैं। जो उनके इमोशंस है वो हमें कहीं पर भी आउटडेटेड या स्केची से बिल्कुल भी नहीं लगते। इसका स्टोरी भले ही 1951 में स्टैब्लिश करता है, लेकिन थ्रू आउट द सीरीज जो इसका प्रोडक्शन वर्क है और जो क्वालिटी, वो हमें यही फील कराता है कि यस, यू आर सीइंग समथिंग विच इज quite done in that टाइम और एरा। इस शो से हमारा जो कनेक्शन है वो बहुत इजिली बिल्ड हो जाता है। बट इफ आई टॉक अबाउट स्टोरी, देन यू कैन इजिली से कि इसका जो स्टोरी प्लॉट है वो कुछ टाइम पर स्लाइटली इनएडिक्वेट हो जाता है, क्योंकि देर आर सो मैनी कैरेक्टर्स जिनको एक्सप्लोर बिल्कुल भी नहीं किया गया है, लाइक सविता, बिली रानी, रशीद एंड वारिस। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जिनका अपना सब प्लॉट हो सकता था, बट इट वॉज टोटली अनटच्ड। इन सारे कैरेक्टर्स को हमें बहुत ही बिट्स एंड पीसेस में देखने को मिलता है, और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स है जिनके स्टोरी को डिपेक्ट नहीं किया गया है प्रॉपर्ली, जिसमें सईदा बाई और कबीर दुरानी कुछ ऐसे नाम है। इसको अगर मैं सही वर्ड्स में फ्रेम करूं तो मैं ये कहूंगा कि हमारा जो रिलेशन था वो किसी कैरेक्टर के साथ बिल्ड कर दिया जाता था, और जब हमें लगता था कि नाउ दे आर गोइंग टू टेक दिस ऑन अनदर लेवल, तो दे वर लाइक सरप्राइज मदरफ़ॉ। अब इस वाले कैरेक्टर को तो तुम भूल जाओ, अब ये जो नया कैरेक्टर हमने इंट्रोड्यूस कराया है, तुम उसका सबप्लॉट देखो। और ये जो चेंजेस है ना वो बहुत स्विफ्टली किए गए हैं, तो हो सकता है कि आपका इन पे ध्यान जाए और शायद हो सकता है कि नहीं भी जाए, बट हाँ, दिमाग में ये जरूर रहेगा कि ये वाला कैरेक्टर कहाँ गायब हो गया। आई जेन्युइनली थिंक इसका स्टोरी प्लॉट उतनी परफेक्टली नहीं किया गया है, एंड इट्स फॉर श्योर कि जिन्होंने बुक पढ़ी है वो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट जरूर होंगे, और लास्ट एपिसोड देखकर तो कुछ ज्यादा ही होंगे, क्योंकि इट वॉज वे टू रश्ड, विच आई कांट इवन एक्सप्लेन दैट। इतना लाउजी जस्टिफिकेशन और इतने बुरी तरीके का पोर्ट्रेयल, आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस। फिफ्थ एपिसोड तक जो भी इन्होंने बिल्ड करा, दैट वॉज सो गुड, बट लास्ट का पे ऑफ wasn't that much। Character aspect से बात करूं तो there are some characters जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आए, and I love the performance of Tanya Maniktala। She was totally excellent in the character of Lata Mehra। And I am saying this because the way she has shown her delusional side, that was truly terrific। जब उसका faith और beliefs टूट जाते हैं तो उसके साथ क्या होता है उसके life में, और कैसे वो proceed करती है खुद को समेट के, that was too intriguing। See, there's a one thing which I would like to add here, ki iski jo casting ho bahut perfectly ki gayi hai, cause we have Ram Kapoor, Tabu, Rashika Duggal, Vinay Pathak, Vijay Verma, Randeep Hooda, Vijay Raj, Ameer Basir and etc etc, and trust me, the performance of these actors was phenomenal and they deserve this। But the question is who played out for me is Danish Razvi। This dude was such a charm on the screen, even when I used to see him I was having a man crush on him। He was intense, polite and fucking smart, even though Namit Das was also excellent। I don't think of any other actor in his place। He was fucking suitable in the character of Harish Khanna। He literally stood out in every single scene of his, and also I love the performance of Vivan Shah, because he was fucking naive। See, story में ना characters के बहुत ज़्यादा inputs हैं, and because of that there are so many things happening in this series। और उन्हीं की वजह से ना ups and downs आ रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं हो गई हैं इन 6 episode में। बहुत ही ज़्यादा ups and downs से भरी हुई series है ये। But moving on to the production stuff, they made it feel like we are in 1951। जो bullock carts हैं, building का structure है, cars हो गई, जो तरीका है, जो attires हैं उनके, they all made an impression। Even though story को और feel कराने के लिए कि ये उस time का है, इसमें हिंदू मुस्लिम का स्टफ भी है, पॉलिटिक्स भी है, कास्टिसिज्म और फैमिली डायनामिक्स भी है। देयर वर सो मेनी थिंग्स गोइंग अराउंड दिस सीरीज इन कपूर्स एंड मेहराज फैमिली जस्ट बिकॉज ऑफ देयर यंग वंस। आई कंप्लीटली फॉरगेट टू टेल यू दिस, ईशान खट्टर वॉज ऑल्सो एक्सीलेंट। ट्रस्ट मी ऑर नॉट, बट आई एम नॉट लाइंग, ही वॉज एट मोस्ट गुड वेन ही वॉज फकिंग ड्रंक। सिनेमैटिक वर्क ऑफ दिस सीरीज इज ऑल्सो अमेजिंग, बट जो CGI पार्ट है, दैट वॉज सो पुअरली एग्जीक्यूटेड। देयर आर सो मेनी टाइम्स वेन यू सी द CGI वर्क which literally don't stood out for me, but the background score was soothing। जो मेरा main problem है वो बस इसके narrative से है, और वो भी उसके mainly last episode से, क्योंकि that was way too rushed। And I also know they knew this thing। And by noticing all this, I am going to say a suitable boy is ठीक ठाक है। देख ले यार।
सी बिना बुक पढ़े आई कैन ट्रूली से किसका लास्ट का एपिसोड डिसअपॉइंटिंग है। अगर आपने बुक पढ़ी है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपके इसके ऊपर ओपिनियन क्या है। एंड एज ऑलवेज, एज वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करते हुए जाना ही जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।